मस्जिद में नमाज पढ़ना और अजान देना हो गया अपराध। अजान देने वाले लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मस्जिद पर लहरा दिया भगवा झंडा। उत्पातियों के झुंड के इशारे पर काम करती है पुलिस। अजान देना हो गया इतना बड़ा गुनाह। लड़के को गिरेवा पकड़ कर ले गई पुलिस। अजान देने वाले पर कार्रवाई। मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने वाले मनाते रहे जश्न। कानून का बना दिया गया मजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सच सच बताना है कि जो बात बात पर न्यू इंडिया चिल्लाया करते हो, उस न्यू इंडिया में वाकई मुसलमानों की कोई जगह नहीं है क्या? क्या तुम्हारे उस नए भारत में मुसलमानों को मस्जिद में जाने, नमाज अदा करने, अजान करने, मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने, छोटे छोटे मासूमों को टोपी पहनने, मुस्लिम बुजुर्गों को दाढ़ी रखने, मदरसों की मौजूदगी से लेकर अपने मन का खाना खाने का हक भी मुसलमानों को नहीं है क्या? ये सवाल इसलिए है मुल्क के हाकिम, क्योंकि अब तक सत्ता के आशीर्वाद से जगह जगह घूम घूम कर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने वालों को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। तभी तो एक लड़का जो मस्जिद में अजान करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसी मस्जिद पर भगवा लहराने वाले मौज काटते हैं। ये उमर कुरैशी है जिसे उत्तर प्रदेश की अति सक्रिय पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि इसने अजान की थी, वो भी एक पुरानी और जर्जर मस्जिद के बाहर। ये गुनाह इतना बड़ा हो गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को उमर कुरैशी की बड़ी शिद्दत से तलाश थी। आरोप ये इसने मस्जिद के बाहर अजान करके समाज में माहौल खराब करने का काम किया है। लेकिन उसी मस्जिद पर जब भगवा लहराया गया तो समाज को नई दिशा देने का काम मुट्ठी भर धर्म ध्वज वाहक कर रहे थे। इस वीडियो को द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और दावा किया गया है कि यूपी के शामली में हिंदू संगठन ने मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडा फहराया। 250 साल पुरानी जर्जर मस्जिद में अजान देने के आरोप में उमर कुरैशी को गिरफ्तार किए जाने के बाद शामली के गौसगढ़ गांव में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने उसी मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडा फहराया। जिस पुलिस ने उमर को शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया, क्या वो भगवा झंडा फहराने वाले हिंदू पुरुषों को भी गिरफ्तार करेगी? क्या झंडा फहराने की प्रक्रिया संवैधानिक सिस्टम के संरक्षण में की गई? खैर, यही तो वो असल रामराज है जिसका जिक्र सत्ता के आशीर्वाद तल्ले पल्ले वाले मुट्ठी भर लोग करते हैं। हाकिम का क्या है? वो तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। स्पेशल डेस्क द कंटा।